क्या पंजाब सरकार कंगाल होने वाली है? पंजाब सरकार के कर्ज लेने की सीमा किसने घटाई? पंजाब के हर किसान पर कितना कर्ज है? और मुफ्त की योजनाओं से कैसे पंजाब बर्बाद हो रहा है? इन सवालों के जवाब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में एक खबर आई जिस पर ना तो बड़े न्यूज चैनल्स ने ध्यान दिया और ना ही कई बड़े पत्रकारों ने। हम सभी ने बचपन में किताबों में खुशहाल पंजाब के किस्से कहानियां खूब पढ़े हैं। हरित पंजाब, धान और गेहूं उगाने में अव्वल पंजाब, लेकिन वो अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब पंजाब की पहचान कंगाल पंजाब के तौर पर की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। केंद्र सरकार ने पंजाब के कर्ज लेने की सीमा में 2300 करोड़ की कटौती की है। इस कटौती के पीछे 2022-23 में पावरकॉम को हुए 4700 करोड़ के घाटे का हवाला दिया गया है। केंद्र ने कहा है कि घाटे का 50% राज्य सरकार को वहन करना होगा। अब पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केंद्र से अपील की है कि वो राज्य के कर्ज लेने की सीमा में कटौती ना करे और पावरकॉम को हुए घाटे के लिए कुछ तथ्य या तर्क भी केंद्र सरकार को दिए हैं। पंजाब सरकार का कहना है कि विदेशों से महंगा कोयला खरीदने से 38,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़े और ये कोयला केंद्र सरकार के निर्देश पर ही खरीदा गया। वहीं छठे पे कमीशन की सिफारिशें लागू करने पर भी 1721 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पंजाब सरकार पर पड़ा। अब पावरकॉम को घाटा क्यों हुआ उसका कारण भी जान लीजिए, और ये कारण डराने वाला है क्योंकि इसके पीछे कुछ मुफ्त की चीजें जिम्मेदार हैं जो राज्य सरकार ने नागरिकों को देने की घोषणा की थी और दी भी जा रही है। साल 2020-21 में पंजाब में बिजली की दरें 0.71% बढ़ाई गई, लेकिन साल 21-22 में इन दरों में 0.89% की कटौती कर दी गई। भगवंत मान सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली लोगों को दी, जिससे बिजली सब्सिडी पर साल 2022-23 में 20,000 करोड़ का खर्च आया। मौजूदा वित्त वर्ष में बिजली सब्सिडी पर 21,623 करोड़ का खर्च होने का अनुमान लगाया गया है और साल 2024 तक बिजली सब्सिडी पर खर्च 22,000 करोड़ पहुंचने की आशंका जाहिर की गई है। वहीं पंजाब में 2,600 करोड़ रुपए सिर्फ सरकारी विभागों का ही बिजली बिल बकाया है। ये सिर्फ बिजली के आंकड़े हैं, लेकिन कर्ज की असलियत अभी बाकी है क्योंकि पंजाब सरकार गले तक कर्ज में डूबी हुई है। अक्टूबर महीने में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को एक पत्र लिखा और इस पत्र में ये बताया गया कि सरकार ने कर्ज कहां कहां खर्च किया। इस पत्र में बताया गया कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक पंजाब सरकार ने 32,447 करोड़ रुपए कर्ज लिया, जिसमें से 19,905 करोड़ रुपए तो पिछले लोन की किस्त चुकाने में ही खर्च हो गए, जबकि 8,435 करोड़ रुपए पंजाब सरकार ने कामकाज पर खर्च किए। 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक पंजाब सरकार ने 14,464 करोड़ रुपए कर्ज लिया, जिसमें से 7,111 करोड़ रुपए लोन की किस्त और ब्याज चुकाने पर खर्च किए गए। 2022-23 में पंजाब सरकार ने जो कर्ज लिया उसका 61% पुराने लोन की किस्त चुकाने में ही खर्च हुआ, जबकि 23-24 में जो कर्ज लिया गया उसका 49% लोन की किस्त चुकाने में खर्च हो गया। यहाँ तक भी आपको चीजें काबू में ही लग रही होंगी, लेकिन इस पत्र में जो अगली बात लिखी थी वो डराने वाली है क्योंकि इस पत्र में भगवंत मान ने लिखा था कि राज्यपाल साहब कृपया केंद्र सरकार को मनाएं और कम से कम अगले 5 साल तक पंजाब सरकार से कर्ज वसूली पर रोक लगवाएं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कर्ज कितना ज्यादा है, फिर भी फ्री बिजली जैसी स्कीम्स पर सैकड़ों करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है और कमाई के साधन सीमित है। अब पंजाब के किसानों की हालत भी जान लीजिए। अगस्त 2023 में लोकसभा में नाबार्ड की एक रिपोर्ट पेश की गई और ये रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के हर किसान पर औसतन 2.95 लाख का लोन है। ये आंकड़ा भारत के सभी 28 राज्यों से ज्यादा है। भारतीय स्टेट बैंक समेत कई दूसरी स्टडीज हैं जो ये बताती है कि पंजाब के किसानों पर बैंकों का 80,000 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन इन हालात के लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं बल्कि पहले की राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। पंजाब में किसानों की हालत सुधारने के लिए वक्त रहते कदम ही नहीं उठाए गए और जो कदम उठाए भी गए वो नाकाफी साबित हुए। साल 2018 से 2022 तक कांग्रेस सरकार ने पंजाब के किसानों की कर्ज माफी की योजना चलाई।
इस योजना में 5,63,000 किसानों के 4,610 करोड़ रुपए माफ किए गए, लेकिन ये लाभ सिर्फ 24% किसानों को ही मिला और 76% किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। इस कर्ज माफी के लिए भी अमरिंदर सिंह सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था। तत्कालीन सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब मंडी बोर्ड से कर्ज लिया था, जिसकी 600 करोड़ की किस्त भगवंत मान सरकार ने इसी साल जुलाई में चुकाई। पंजाब एक खुशहाल राज्य था, जहां के लहलहाते खेतों की तस्वीरें अक्सर टीवी चैनलों पर दिखाई देती थी, लेकिन अब पंजाब बीमारू राज्य बन चुका है। साल 2022-23 में पंजाब सरकार पर 3,12,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस वित्त वर्ष में पंजाब सरकार ने 20,100 करोड़ रुपए ब्याज चुकाया और करीब 16,000 करोड़ रुपए मूलधन वापस लौटाया। पंजाब सरकार के बजट एस्टीमेट का 20% तो लोन चुकाने में ही खर्च हो रहा है, और जब कर्ज इतना ज्यादा होगा तो लोन चुकाने में राहत तो मांगी ही जाएगी। कांग्रेस हो या अकाली दल और बीजेपी की सरकारें, हर सरकार में पंजाब के लोन घटने के बजाय बेतहाशा बढ़ते गए और इसे कम करने पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनी तो पंजाब सरकार पर 2.08 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 2022 में भगवंत मान के सीएम बनने तक 1 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका था। 2002 में जब अमरिंदर सिंह पहली बार राज्य के सीएम बने थे, तब पंजाब सरकार पर 37,000 करोड़ से थोड़ा कम कर्ज था, यानी 20 साल में पंजाब सरकार के कर्ज में 10 गुना की बढ़ोतरी हो गई। जिन 20 सालों में कर्ज में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, उस दौर में पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल की सरकारें रहीं। 10 साल कांग्रेस ने राज किया और 10 साल अकाली दल ने। इस पर भी राज्य में मुफ्त वाली यानी फ्री वाली योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब उन योजनाओं का भी एक आंकड़ा देख लीजिए। वित्त वर्ष 1997-98 में पंजाब सरकार ने 604 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च किए, जिसका बड़ा हिस्सा किसानों के लिए था, और ये आंकड़ा साल 2022-23 तक बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इस वित्त वर्ष यानी 2023-24 में पंजाब सरकार ने बिजली सब्सिडी के लिए 20,244 करोड़ रुपए रखे हैं, जबकि महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा कराने के लिए 547 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ये कर्ज सरकार की कमर तोड़ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में पंजाब की कुल GSDP का 49.1% कर्ज था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 45.2% रह गया। हालांकि 2026-27 तक पंजाब सरकार पर कर्ज GSDP का 46.8% हो जाएगा। GSDP और कर्ज के रेशियो की बात करें तो पंजाब इसमें टॉप पर है, यानी वो राज्य जिस पर GSDP की तुलना में कर्ज सबसे ज्यादा है। अब पंजाब सरकार की कमाई और खर्च भी देख लीजिए। 2022-23 में पंजाब सरकार की कमाई रही करीब 94,000 करोड़ रुपए और सरकार का सालाना खर्च रहा 1,27,000 करोड़ रुपए, यानी कमाई सालाना खर्च से भी करीब 33,000 करोड़ रुपए कम हुई। पंजाब सरकार ने जून 2022 में व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र जारी किया, जिसके पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि पंजाब सरकार पर जो कर्ज है वो भारत में सबसे खराब है और हम कर्ज के बोझ तले और ज्यादा दबते जा रहे हैं। फिलहाल तो पंजाब सरकार के पास इस कर्ज के जाल से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि पंजाब में इंडस्ट्रीज की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं। अब पंजाब सरकार को कोई चमत्कारिक रास्ता निकालकर ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।